फरीदाबाद के रहने वाले दिव्यांश ने नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में एक रजत और कांस्य पदक जीता है। दिव्यांश के घर पहुंचने पर न केवल उसके घर बल्कि पूरे फरीदाबाद में जश्न का माहौल है। दिव्यांश ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के चंदौली में आयोजित नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में एक रजत पदक सहित एक कांस्य पदक जीता है और फरीदाबाद का नाम रोशन किया। नेशनल गेम्स में 60 मीटर में रजत और 30 मीटर में कांस्य पदक जीतने वाले दिव्यांश की माने तो इसके लिए उसने कड़ी मेहनत की है। इसकी कामयाबी मेरे सर, मेरी मम्मी, बहुत मेहनत, बहुत सालों की प्रैक्टिस जी। हमारी सुबह की एकेडमी होती थी जी, 6 बजे से 12 बजे तक जी, तो शाम की टाइमिंग थी 3 से 7 जी, 6 बजे। दिव्यांश की माने भी अपने बच्चे की उपलब्धि पर खुशी जताई है और कहा कि दिव्यांश ने न केवल फरीदाबाद बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। दिव्यांश के कोच सोनू का भी कहना है कि दिव्यांश ने काफी मेहनत की है। सर, बच्चा मेडल लेकर कोच को सबसे ज्यादा खुशी होती है जी। पेरेंट्स सबसे पहले सपोर्ट होता है जी, पेरेंट्स का जी। उसके बाद कोच मेहनत करता है, बच्चा मेहनत करता है। सुबह शाम इनका सेशन चलता था प्रैक्टिस का, छुट्टी वाले दिन भी मैं इनको छुट्टी नहीं करता, बिल्कुल मैंने किसी प्रैक्टिस पे आना बच्चे। तो देखो सर, मेहनत करने जो मेहनत करता वही रंग लेता सर, किसी का तो ठिकाने नहीं कि किसी का भी फर्स्ट टाइम है और 3 मेडल लेकर आया बच्चा, मुझे बहुत खुशी। मुझे बहुत खुशी है, मेरे परिवार को भी बहुत खुशी है, सबको, मतलब पूरे फरीदाबाद में। सिर्फ यही है जो पहला बच्चा, मतलब जिसने आर्चरी में नेशनल में अब जो प्लेस लेकर आया है, सिल्वर मेडल लेकर आया है जी। और अकेला यही बच्चा होने के कारण भी बहुत खुशी है कि हाँ भाई ठीक है, और इसने मतलब हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। अपनी इस कामयाबी के बाद दिव्यांश आगे की प्रतियोगिताओं के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, जिससे कि पूरी दुनिया में वो भारत का नाम रोशन कर सके।